हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक में आज हमें 30% से ज्यादा की रैली देखने को मिली है, जिसका नाम है आर कार्गो लॉजिस्टिक्स। स्टॉक ने गाइस हाल ही में जनवरी के मंथ में न्यू हाई रिकॉर्ड किया था 98 रुपीज का लेवल। उसके बाद स्टॉक ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया, हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में गाइस हमें 70 रुपीज के लेवल पर सपोर्ट देखने को मिला है, और जो की गाइस इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, और यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिली है। और आज स्टॉक में हमें गाइस 88 रुपीज से ज्यादा की मूव स्टॉक में फिर से देखने को मिली है, जो की अगर देखे गए 13% के करीब है। और इसके साथ ही गाइस स्टॉक के वॉल्यूम में भी हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिली है। 50 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम स्टॉक में अभी जुड़ा हुआ है, और अगर देखेंगे पिछले 1 ईयर में कभी भी हमें इतने ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिले, जिसके चलते गाइस स्टॉक में हमें जल्द ही इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद स्टॉक में गाइस 120 रुपीज से ज्यादा मूव स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक में यहाँ पे देखे तो हमें जो सपोर्ट देखने को मिला स्टॉक में 70 रुपीज के लेवल पर सपोर्ट देखने को मिला। इसके बाद 74 के लेवल पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। देन उसके बाद स्टॉक ने जो आज हाई लगाया है 88 रुपीज का लेवल है, और स्टॉक में जो गाइस इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल है हमारे लिए 98 रुपीज का लेवल है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई। और यहाँ पे स्टॉक के करंट लेवल से लेकर ऊपर में इसके रेसिस्टेंस लेवल से आप देखे तो हमें 15% के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 वीक के बीच में। और अगर इसमें स्टॉक के ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो गाइस हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक में आने वाले दिनों में 66% से ज्यादा टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि गाइस अगर इसके करंट लेवल से लेकर ऊपर में लॉन्ग पोजीशन पुल की मदद से देखें हमें 140 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में इसके 98 रुपीज के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो स्टॉक में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 74 रुपीज का लेवल रहेगा, और यह स्टॉप लॉस की बात करें तो 13% के करीब है। स्टॉक में हमारा फर्स्ट लेवल जो है 15% का, और स्टॉप लॉस हमारा 13% के करीब है, यानी इक्वल स्टॉप लॉस और टारगेट बैठ रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद गाइस हमें 120 रुपीज के लेवल से लेकर 140 रुपीज तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में गाइस पसंद आई, आई होप आज की हमारी एनालिसिस जो भी पसंद आई होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।